नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं शेट्टी। किसान आंदोलन के बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। पंजाब के सीएम भगवत मान ने कहा कि वह किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान शुभकरण के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे, साथ ही किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पंजाब के सीएम भगवत मान ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, मारे गए किसान शुभकरण के परिवार को पंजाब सरकार 1 करोड़ की मुआवजा राशि देगी। शुभकरण की छोटी बहन को पंजाब सरकार की ओर से नौकरी भी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, फर्ज निभा रहे। बता दें कि एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 10 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दावा किया है कि बुधवार को पुलिस से झड़प के दौरान खनोरी बॉर्डर पर 21 साल के एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद किसान लगातार भड़के हुए हैं। इस किसान का नाम शुभकरण सिंह है। इस घटना को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने पहले ही कह दिया था कि शुभकरण के पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा पुलिस का जो भी अधिकारी शुभकरण की मौत के लिए जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अम्बाला पुलिस की तरफ से जारी बयान के अनुसार, किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिगेट्स को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवी द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इस आंदोलन के दौरान लगभग 20 पुलिस कर्मचारी को चोट आई। एक पुलिस कर्मचारी का ब्रेन हेमरेज हुआ व दो पुलिस कर्मचारी की मौत हुई। पुलिस ने आधिकारिक बयान के जरिए बताया कि किसान नेताओं पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। बयान के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों को रोकने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाएगी, ताकि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके। आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान को किसान नेताओं से वसूलने की तैयारी की जा रही है। अम्बाला पुलिस की तरफ से जारी एक और बयान के अनुसार, प्रशासन द्वारा पहले ही संबंध में आमजन को सूचित किया गया था कि इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो इस नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति और बैंक खातों को सीज करके की जाएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। आप किस खबर पे कह रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।